क्या नाम है सर आपका? पवन शर्मा। मैं सिरसा से रहने वाला हूँ। मैं अभी आसाम में पैरा स्विमिंग का नेशनल हुआ था तो वहाँ पे 3 इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तीनों में गोल्ड आया मेरा। और मैं 3 साल से नेशनल खेल रहा हूँ और मैं तीसरी बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीनों बार मेरे मेडल आए हैं। पूरे इंडिया से इस कॉम्पिटिशन में 700 लोग शामिल थे। पैरा स्विमिंग में 10 कैटेगरी होती हैं, सब अपनी कैटेगरी में खेलते हैं और सब 3-3 इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हरियाणा से पूरी 33 लोगों की टीम गई थी और मैं भी साथ गया था। वहाँ पर पैरा स्विमिंग गेम था, ये जो भी फिजिकल रूप से या मेंटली या ब्लाइंड थे वो सब इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पूरे इंडिया से स्विमिंग का कैंप था, स्विमिंग का नेशनल था। जो हमारे डबास सर हैं वो पूरा पैरा स्विमिंग के चेयरमैन हैं और कंवलजीत सर हैं वो हरियाणा स्विमिंग के चेयरमैन हैं। तो उन्हीं के आशीर्वाद से ये पूरा, उन्हीं के संघर्ष से ही सब हो पाया है, उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है इसको। इसको सबसे पहला, वैसे तुम्हारी जो युवा पीढ़ी है वो अब नशे में, हमारी युवा पीढ़ी बहुत डूबती जा रही है। सिरसा में आए दिन देखने को मिलता है कोई ना कोई युवा नशे में गिरा पड़ा है, मिलता हुआ है। तो गिव अप करने का ऑप्शन नहीं है, गिव अप मत करिए, नशे में कुछ नहीं है। एक बार जीत का नशा अगर आपको लग जाएगा तो आपके सामने हर नशा फेल है। और जब स्पोर्ट्स में आ जाते हैं तब आप फिजिकली नहीं तब आप मेंटली भी फिट हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में आप गिव अप कर रहे हैं या आप हार मान रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ में जोड़िए और स्पोर्ट्स आपको बहुत आगे ले जाएगा। पवन शर्मा ने सरसा जिला का नहीं पूरे हरियाणा का नाम गौरवान्वित किया है। ये पूरे समाज के लिए जब सबसे बड़ा आज खुशी का दिन है, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये आगे बढ़े। आज हमारा ब्राह्मण समाज जिला सरसा तन मन धन से पवन के साथ है। जब भी किसी बात की ज़रूरत होगी हमें सिर्फ एक फ़ोन करे, हमारा नंबर ले ले 9416241963। इस नंबर पर कृपया केवल फ़ोन कर दे, हमारी तरफ से इन्हें पूरी सेवाएं मिलेंगी। हम चाहते हैं कि ये पूरे विश्व के अंदर सरसा जिला का नाम रोशन करे, हमारी यही इसके लिए शुभकामनाएं हैं। और जो जल्दी ही इसके परिणाम और आगे हमें देखने को मिलेंगे और हम इसे एक भव्य समारोह के अंदर पूरा ब्राह्मण समाज इसे सम्मानित करेगा। मैं पवन कुमार शर्मा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इंसान का यदि लक्ष्य निर्धारित हो तो उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती जरूर होती है दिक्कत, लेकिन उन दिक्कतों को वो पार पा सकता है। तो पवन कुमार ने जो ये करके दिखाया है ये हमारे युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा सूत्र है, उनके लिए ये प्रेरणा है कि इन हैंडीक्रैफ्ट होने के बावजूद भी इन्होंने जो अपने लक्ष्य निर्धारित जो लक्ष्य किया है उस पर कैसे इन्होंने अचीव किया, उसको भी 3-3 गोल्ड मेडल लेकर के ही आए। पवन की जो उपलब्धि है वो काबिले तारीफ है। मैं सभी ब्राह्मण समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि पवन का शरीर और पवन का हौसला दोनों चीज़ देखने की जरूरत है। युवाओं से खासकर नशा और गलत कार्यों को छोड़ के समाज सेवा और खेलों की तरफ बढ़ावा दे, जिससे तन सुखी मन सुखी, मन सुखी तो घर सुखी, हर चीज़ में खुशी खुशी मिलेगी, अपना व्यक्तित्व सुधारा जाएगा, लोगों को एक पैगाम मिलेगा, लोगों को एक शिक्षा मिलेगी कि हमने नशा और गलत कार्यों को छोड़ के समाज के अंदर खेलों को बढ़ावा दे, पढ़ाई को बढ़ावा दे, जिससे बेरोजगारी और सब चीज़ों का अंत होगा और अपना गृहस्थ जीवन, अपना संसारिक जीवन है वो बहुत बढ़िया चलेगा। पवन ने ना केवल ब्राह्मण समाज को गौरवान्वित किया है, पूरे समाज को गौरवान्वित किया है। और ये एक स्पेशल नीड बच्चा होते हुए भी इसने अपने आप को एक स्पेशल क्वालिटी बच्चा प्रूव किया। इसने दिखाया है कि आदमी का हौसला हिम्मत बुलंद हो तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है, अपना टारगेट साबित करे। और जैसा कि अभी योगेश जी ने कहा कि नशों के चक्कर में ना पड़ के कुछ अपना उद्देश्य बनाए ज़िंदगी का, जैसा पवन ने सिद्ध किया, अपना ज़िंदगी का उद्देश्य बनाकर उसे हासिल किया। और मैं मानता हूँ कि ये इसने एक आज के बच्चों के लिए आइडियल के रूप में काम किया और इसे बच्चे आइडियल माने और इसका इसको फॉलो करें।